हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मोमेंटम वर्सेस फोर्स। जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। चर्चा का विषय इसीलिए है ये, क्योंकि मोमेंटम भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है, और फोर्स तो है ही फोर्स। अब क्या है कि जब कोई भी वस्तु मोमेंटम में होगी, मोमेंटम में कब होगी, जब उसमें वेलोसिटी होगा तो वो ऑब्वियसली फोर्स लगाएगी। अब कोई भी वस्तु मोमेंटम में कैसे हो सकता है, पहले हम वेलोसिटी को जानते हैं जो इसका है। वेलोसिटी दो तरह का होता है, एक तो नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कभी भी एक्सेलरेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो वो एक्सेलरेट नहीं हो सकता, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब बात करते हैं फोर्स पर। फोर्स में है एक्सेलरेशन। अगर किसी भी वस्तु का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तभी कहेंगे कि हम कोई भी वस्तु फोर्स लगा सकती है, ठीक है, अगर इस फार्मूला के अनुसार। चलिए हम बात करते हैं जो आज का मुद्दा है। इसमें है क्या, मान लेते हैं कि हम कोई भी एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, इसका मतलब है कि उसमें एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है। तो क्या कोई आदमी उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले कार के सामने खड़ा हो जाए, क्या उस आदमी पर फोर्स नहीं लगाएगा, उड़ा डालेगा उसको, ख़त्म हो जाएगा बंदा। तो यही आज का है कि अगर मोमेंटम किसी भी वस्तु में है वो भी फोर्स लगाता है, और फोर्स एक तरह का जो एक्सेलरेशन इस तरह का फार्मूला बनाया गया, तो हम लोग फोर्स को वेलोसिटी भी क्यों नहीं लिख सकते थे, मास इनटू वेलोसिटी। ये भी तो फोर्स लगा रहा है, ये फार्मूला से भी फोर्स निकल रहा है। लेकिन फोर्स को हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान ने इसको इस तरह से दिया कि अगर कोई भी वस्तु जब उसका वेलोसिटी शून्य होगा, ठीक है, और फोर्स लगाएगा किसी भी चीज़ पे, तो उसका वेलोसिटी शून्य जो भी समथिंग होगा उसके बाद जब होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, और तब फोर्स निकलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप भी अपना कमेंट में बताइए मोमेंटम और फोर्स का क्या क्या रिलेशन हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।